हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इजी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मोटो जी 5S प्लस का सिक्योरिटी पैच का अपडेट आ गया है और वो है अगस्त मंथ का और आया है अक्टूबर मंथ में। तो मैं इसमें अपडेट करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि क्या अपडेट है। तो चलो अपडेट करते हैं। तो अगर ये अपडेट आपको अभी तक नहीं शो हो रहा है तो आपको सिंपली जाना है सेटिंग में और अबाउट फ़ोन में आप जाएंगे और उसके बाद अबाउट फ़ोन में जाने के बाद सिस्टम अपडेट्स में जाएंगे। सिस्टम अपडेट में जाने के बाद आपको ये अपडेट इस तरीके से शो हो जाएगा और इसको आप डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद वाईफाई ओनली या बोथ नेटवर्क पे किसी पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बोथ नेटवर्क मीन्स मोबाइल नेटवर्क पे, वाईफाई पे मैंने सेलेक्ट कर दिया और मेरा ये अपडेट शुरू हो गया है। सो आप देख सकते हैं अपडेट शुरू हो गया है मेरा। अपडेट ये अराउंड 140 MB का है तो अभी अपडेट हो रहा है। तब तक अपडेट हो रहा है तो इस अपडेट में अभी हम खास यही बात देख सकते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट मॉडम इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, जिसमें नेटवर्क के रिकॉर्डिंग कुछ अपडेट्स आए हैं। और जैसे कि इसका वाईफाई का प्रॉब्लम था, मे बी अभी तक किसी के सिस्टम में फ़ोन में ठीक नहीं हुआ होगा, सो इससे रिलेटेड ठीक हो जाएगा। सो अपडेट ये मेरा हो गया है अभी। तो अपडेट हो चुका है ये, तो आपको अपडेट होने के बाद ये ऐसा दिख रहा है, इंस्टॉल सिस्टम अपडेट। और इंस्टॉल सिस्टम अपडेट पे आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने से पहले आप ध्यान रखना कि आपकी बैटरी मिनिमम 35% होनी चाहिए। मेरी नहीं है, इसलिए अब मैं इसे चार्ज करने जा रहा हूँ और फिर इसे अपडेट करता हूँ। तो देख सकते हैं आप, अपडेट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और आप चाहें तो यहाँ पर इसे फ़ोन की सेटिंग्स में भी जाकर चेक कर सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि फ़ोन की सेटिंग में जाना है आपको, सिस्टम वही सेम सिस्टम और फ़ोन सिस्टम अपडेट्स। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 1 अगस्त का अपडेट शो हो रहा है, जो कि अक्टूबर के मंथ में आया है 2 महीने बाद। इस अपडेट में मेनली मॉडम अपडेट के लिए फोकस किया गया है, जिसमें नेटवर्क के लिए इम्प्रूवमेंट हुए हैं। इससे पहले मोटोरोला के G5S प्लस में यही था कि वाईफाई का प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो तो इन्होंने पिछले अपडेट में सॉल्व कर दिया था। मे बी इस अपडेट में इन्होंने एयरटेल में LTE नहीं आ रहा हो, शायद वो सब इन्होंने सॉल्व किया हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।